यूज नहीं होगा कभी। कहा कर ले हो? हाँ कह रही है ये देखो कितने सिल्की हो गए मेरे बाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अपने परिवार के साथ में अच्छे हैं। और आज मैं जो है सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं छत में आ रखी हूँ अपने किचन गार्डन में। तो ये अरबी के पत्ते हो रखे थे तो मैंने सोचा कि इससे पहले ये सूख जाएं। ज़्यादा पत्ते तो नहीं है, थोड़े से ही हैं, तो मैं इन्हें काट लेती हूँ और मिक्स करके सब्जी बनाऊँगी आज इसकी। तो इसीलिए हम छत में आ रखे हैं। और अब मैं आ गई हूँ नीचे और मैं इन पत्तों को पहले जो इसके डंडे वो धागे धागे से होते हैं वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये धागे जो है गले में लगते हैं। तो ये धागे निकालने के बाद मैं इस सब्जी काट लेती हूँ अरबी के पत्तों को। और इसके साथ में थोड़ी सी बंद गोभी बची हुई थी वो मैं काट लेती हूँ और एक दो आलू काटती हूँ इसमें। और फिर मैं प्याज काटती हूँ इसमें। प्याज ज़्यादा नहीं है क्योंकि प्याज ख़त्म हो गए हैं, आज लेके आऊँगी प्याज काटे मैंने। और ये मूंग की दाल की बड़ी है, थोड़ी सी ये डालूँगी इसमें और मैंने वो भिगा के रख दी है। और मैंने कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने जख्या डाला और थोड़ी हींग डाली। उसके बाद मैंने बड़ी डाल दी, थोड़ी सी उसको भून दिया मैंने और उसके ऊपर ही मैंने नमक मिर्च मसाले वगैरह सब डाल दिए हैं। और अब इसको हिला के जो है मैं ढक दूँगी कम आँच में पकने के लिए। बड़ी जो है थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है, मूंग की बड़ियों को जो है ज़्यादा देर गलाना नहीं चाहिए। और उसमें बाद में मैंने थोड़ी सी दही डाली है। और अब मैं आ गई हूँ मारती को नहा धो के, तो मार नहा गया है, नहला दिया मैंने इसको। थोड़ा इसके बाल वगैरह बना लेती हूँ, तेल लगा लेती हूँ और उसके बाद में बनाऊँगी बच्चों के लिए लंच तैयार करूँगी। मारती तैयार हो चुका है। मारती तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। मारती के पापा भी ब्रश कर रहे हैं, तब लेके जाएंगे मारती को, है ना? आप राधे की तरह करने की कोशिश करते हो क्या? अच्छा कट 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 राधा दही नकल कर रहा है। राधे तू मारती की नकल कर रहा है? ए राधा, राधे ब्रश कर रहे हैं पापा। पापा ब्रश कर रहे हैं। राधे कहा कर ले हो? हाँ सब कुछ तैयार है, तुम तैयार नहीं हो। प्रेस होना है मारती? स्कूल में ही आई थी अभी, यहाँ पे आई थी ना, निकली थी। निकली थी अभी? हाँ बनना करे तो लंच मत खाइयो, ठीक है? मन करे चली खाइयो लंच, ओके? ये आ गए बच्चों को छोड़ के और मैं बनाती हूँ इनके लिए रोटी। चाय मैंने चढ़ा दिया इसमें, फटाफट से बनाती हूँ रोटी। 8:15 हो रहे हैं, तैयार है नाश्ता बनके, दे देती हूँ मैं ना चाय भी। मुझको भी नाश्ता खिला दो मम्मा, मुझको खिला दो गदड़ो।
तो कर लेते हैं हम अपना सुबह का नाश्ता, राधे और हम दोनों तीनों मिलके। ओके, 10 बजने वाले हैं और ये भी जा रहे हैं अपनी दुकान में काम करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। और तुम काले नजर आ रहे हो। काले तो मैं ही। हाँ चलो जाओ, जल्दी जाओ, मेरे को फिर काम करना है अपना, तुम्हारी वजह से लेट हो जाता है। छोरे बंद करिए। चलो इतना लेट, 10 बजे जाते हो फिर मेरा काम तभी शुरू होता है। ऐसा काम किसी किसी का होता है। अरे जाओ यहाँ से। जा रही हूँ मैं अपने किचन में, ये गए हैं, इनकी वजह से मेरा काम रोज लेट होता है क्योंकि जब ये जाते हैं उसके बाद ही मेरा काम शुरू होता है। तो मैं जाती हूँ अपने किचन में, नाश्ता पानी सब हो चुका है, अब आई है बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने से पहले मुझे एक काम करना है, वो कर लेती हूँ वरना फिर ऐसे ही रह जाएगा वो काम भी। ये जो एलोवेरा लाए थे ये, इनका मैं जेल बना लेती हूँ वरना फिर ऐसे ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। इनको एक बार और धो लेती हूँ, उसके बाद में धोऊंगी बर्तन, बाकी काम करूंगी। इसके दोनों तरफ के कांटे मैं हटा रही हूँ इस तरह से, और इसे मग्गे में डाल रही हूँ क्योंकि मैं इन्हें एक बार और धोऊंगी, क्योंकि जो इसमें से येलो पार्ट निकलता है वो खतरनाक होता है, मतलब बाकी तो अच्छा होता है जेल। ये एक बार फिर मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि अच्छे से साफ हो जाए, और इसको मैं ऐसे ही काट दूंगी छिलके के साथ में, क्योंकि ये थोड़े पतले होते हैं, इनमें जेल कम होता है, अगर मैं छिलका हटाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। जिनमें ज्यादा जेल होता है, जो मोटे होते हैं उनका पहले जेल निकाल के यूज करती हूँ, और इनको ऐसे ही यूज करूंगी मैं। ये मैंने डाल दिया इसमें, अब इसको मैं पीस दूंगी इस तरह से। ये इसको अब छान लेंगे, बड़ी वाली ये छलनी है, इससे छान लूंगी मैं इसे। क्योंकि बिना छाने अगर हम लगाएंगे तो इसके एलोवेरा जो है बालों में चिपक जाता है और फिर उससे बाल टूटते हैं, तो इसको छानना बहुत जरूरी है। ये अभी इतना जेल निकला है और मैं दोबारा से इसको कर दी हूँ मिक्सी में, और इसमें जो है अगर मतलब इसमें पानी डालेंगे तो हम फिल्टर पानी डालेंगे या फिर उबला हुआ पानी डालेंगे, इसमें नल का पानी नहीं डालेंगे वरना जल्दी खराब हो जाता है जेल। इसको करती हूँ दोबारा से। ये मैंने कर लिया है सारा, और इसको थोड़ी देर ऐसी छोड़ देंगे छलनी में, तो जितना भी ये सारा जेल निकल जाएगा अपने आप। अब ये बाकी मैं बाद में करूंगी, पहले मैं फटाफट से बर्तन धो देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी आपको आगे क्या करना है। ओके, मेरा टाइम ज्यादा हो जाएगा, मेरा काम ऐसे ही रह जाएगा और फिर दिन के काम भी। सारे बर्तन धो लिए मैंने और गैस भी हो गई है साफ। अब ये जो जेल है ये हो चुका है तैयार, अब इसमें एक चीज और डालनी है, ये है व्हाइट विनेगर, कोई सही विनेगर डाल सकती हूँ, इससे क्या होता है कि खराब नहीं होएगा फटाफट से, और आजकल सर में जो पसीने की वजह से खुजली वगैरह हो रही है उसमें भी आराम मिलेगा, और मेरे को जितना लगाना है वो मैं इसमें भरती हूँ, इतना मैं लगा लूंगी अपने सर पे अभी, तो ये मैंने इसमें भर दिया। ये हम रख देंगे फ्रिज में, ये कम से कम 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होएगा, इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है ये मैं आप बताती हूँ अभी। ये जो मैंने एलोवेरा का जेल बनाया है, इसे लगाने से पहले मैं अपने बालों को कंघी से सुलझा लूंगी, क्योंकि अगर उलझे हुए बालों में कुछ भी चीज लगाओ, तेल या कोई भी रेमेडी यूज करो, तो वो उससे जो है बाल और ज्यादा टूटते हैं,
तो मैं हमेशा जो है बाल सुलझाने के बाद ही कंघे से अपने बालों में कुछ भी लगाती हूँ। और तो मैं बाल सुलझा लेती हूँ अपने, ठीक है। अगर मतलब आपको सर शैम्पू से धोना है तो इसमें जो है कोई भी तेल यूज़ कर लो जो भी आप लगाते हो। तो मेरे को तो शैम्पू नहीं करना है तो खाली मैं ये लगा के सिर्फ पानी से धोऊंगी बालों को, ठीक है। ये बाल मैंने सुलझा दिए अपने, अब मैं लगाऊंगी इस पे। ये अगर ऐसी बोतल हो आपके पास में कुछ भी फेस वॉश वगैरह की, इसमें जो छेद होता है इससे लगाने में आसानी होती है बजाय कि हाथ वगैरह से। तो इस तरह से इसको पूरे बालों में लगा लेंगे, ये पूरे बालों में जड़ों में लगा लेंगे इसको पूरी। और हल्के हाथों से ऐसे ऐसे मसाज करेंगे, और इसको जो है अपने बालों में भी लगा लेंगे। राधे क्या खा रहे हैं आप, हैं? और राधु और इस तरह की जो घरेलू हम रेमेडी लगाते हैं फेस पे या मतलब बालों पे, तो वो हमको जो है रेगुलर यूज करनी होती है तभी उसका फायदा होता है। वरना आप सोचेंगे कि हम महीने में एक दिन लगा लेंगे तो उससे कुछ नहीं होएगा। अगर रेगुलर यूज करोगे तो ही नुकसान नहीं होगा लेकिन फायदा ही होगा। अब चाहे तो थोड़े थोड़े बाल करके लगा लो, चाहे तो सारे बालों में इस तरह से लगा लो, जैसे मन करे वैसे लगा लो। आजकल तो गर्मी इतनी है कि कुछ, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के जो है अपने घर के काम ही इतने हो जाते हैं, रोज सुबह तो लगा लो कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है, लेकिन तब भी अपने लिए टाइम निकालना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को भूल जाएंगे, जब हम सही रहेंगे तो ही मतलब अपनी फैमिली को देख सकते हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान भी रखना चाहिए हर चीज़ का, अपनी स्किन का, बालों का और अपनी हेल्थ का भी, हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से इसको सारे बालों में लगा लेंगे, और या तो लगा लो मतलब सुबह ही, उसके बाद काम कर लो जैसे मन करे। लेकिन मैंने थोड़ा बर्तन वर्तन धो दिए हैं क्योंकि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा पसीना आता है, तो मैं अभी झाड़ू पोछा मेरे रह गया है, जब तक मेरा झाड़ू पोछा होएगा तब तक ही मैं रखूँगी, फिर इसको मैं पानी से धो लूँगी। मौसम सही हो तो जो है काफ़ी देर भी रख सकते हैं, लेकिन मौसम ही इतना गंदा है कि क्या करें, ज़्यादा देर रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे लगाने से मैं हल्का सा अजीब थोड़ा सा होता है मतलब, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मौसम में ऐसा कुछ भी लगा लो तो थोड़ा सा इरिटेट सा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छे से लगा लेंगे सारे बालों में इस तरह से भी। मसाज हमेशा हल्के हाथों से करनी है वरना बाल टूटते हैं। ये मेरे पूरे बालों में लग चुका है, मैं इसको फोल्ड करके क्लेचर लगा के छोड़ दूंगी। अब मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ। पहले मैंने सारे कमरों में झाड़ू लगा लिया है और अब उसके बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ। नहीं, पोछा लगाने से पहले जो है मेरा वाश मिसर बहुत दिनों से गंदा हो रहा है तो इसे साफ कर लेती हूँ। तो मैंने साबुन लगा के और इसको फिर अच्छे से पानी से साफ कर दिया और उसके बाद में मैंने पोछा लगाया और मेरा पोछा भी लग गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है।
और सुबह का काम मतलब खत्म हो गया है, सब कुछ सफाई कर दिया। मैं अभी टॉयलेट साफ करने जा रही हूँ, उसके बाद नहाऊंगी फटाफट। तो जाती हूँ मैं नहाने के लिए, बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि। अभी ये मैंने सर धो दिया है अपना, जो मैंने जेल लगाया था, और बाल एकदम देखो स्मूथ हो गए हैं। शैम्पू नहीं कराया मैंने, और बाल एकदम बढ़िया से हो गए हैं, एकदम गंदी जा रही है सर से। बनाया मेरे था तूने ये? तो बचा तो है भाई, फ्रिज में रखा है, तुम क्यों डर जाते हो बार बार? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं नीचे ला था एलोवेरा तोड़ के, तब खूब सारी गालियाँ सुना दी थी। गाली नहीं देते क्यों लाए तोड़ के? मेरे पे टाइम नहीं है, मैं नहीं बना रही, मेरे पे जेल पड़ा हुआ पहले से। अब कह रही है ये देखो कितने सिल्की हो गए मेरे बाल। अरे आज मुझे कहीं जाना था ना, लेकिन अब कैंसिल हो गया जाना। तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ आज के लिए, बाय। फिर मैं आपसे मिलूंगी न्यू ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, और देखिए मेरे।